गाइस, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, आज के लेक्चर में तुमको जो भी पिछले वाला लेक्चर है उनको फॉलो करो। दोस्तों, जितना मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ उतना राइट डाउन करके रखो, और जो भी लिखा हूँ वो किस लाइन से है एनसीईआरटी में उसको भी अंडरलाइन करते चलो दोस्तों, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी अंडरलाइन होना चाहिए, अपने पास खुद के कॉपी होने चाहिए और आपके अपने पास खुद के नोट्स बनाते हुए चलना चाहिए दोस्तों, ठीक है? क्योंकि नोट्स अगर अच्छी तरीके से बनाओगे और उसको बार बार भी रिवाइज करोगे तो बहुत ही चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। ओके दोस्तों, जो भी अपने पास न्यू मेंबर आ गया है, जो देख रहा है वीडियो, पहले सब्सक्राइब कर लो, जिसकी वजह से आपका अगर हमारा अगला वीडियो आपसे छूट ना पाए, ठीक है दोस्तों? तो अगर तुमको समझ में आ रही है मेरी लैंग्वेज, मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे एग्जांपल्स तुम्हारे को समझ में आ रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द योर फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का नाम है दोस्तों, हमने दो पेजेस, टू पेजेस कंप्लीट कर दिए हैं, थर्ड पेज के ऊपर जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है? ये क्या है, ये क्यों लिख दिया सर तुमने? क्योंकि दोस्तों, इस चार लाइन में से नीट ने बहुत ही पहले सवाल पूछे गए थे, दो या तीन बार इससे सवाल आ गए थे, इसलिए मैं ये बोर्ड पे लिख दिया हूँ। दोस्तों, तुम भी राइट डाउन करते चलिए, पहले बात समझिए, बाद में उसके ऊपर तुम नोट्स बनाते चले जाओ। ओके, तो क्या है दोस्तों, तुम जो नॉमिनिक्लेचर पढ़ रहे हो दोस्तों, जो भी तुम्हारा बायनॉमियल नॉमिनिक्लेचर है, कौन सा है दोस्तों? बायनॉमियल नॉमिनिक्लेचर तुम जो भी पढ़ रहे हो दोस्तों, ठीक है? बायनॉमियल नॉमिनिक्लेचर कौन दिया था? साइंटिस्ट का नाम याद रहना चाहिए दोस्तों। क्या था साइंटिस्ट का नाम? कार्लस लिनियस। ओके, कार्लस लिनियस उसका नाम है दोस्तों, उन्होंने बायनॉमियल नॉमिनिक्लेचर दिया था, ठीक है? बायनॉमियल नॉमिनिक्लेचर इसका मतलब क्या है कि उस स्पीसीज का जो भी बायोलॉजिकल नाम तुम लिखना चाहते हो, जो भी बायोलॉजिकल नाम नेम तुम लिखना चाहते हो, वो दो पार्ट्स में रहना चाहिए, ठीक है? दो पार्ट्स में रहना चाहिए, इसलिए उसको बायनॉमियल नॉमिनिक्लेचर कहते हैं। एक का नाम है जीनस, फर्स्ट पार्ट है, दूसरा का नाम है स्पेसिफिक एपिथेलियम। ओके दोस्तों, इतना तो बात समझ में आ रही है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। वो जो भी है इसको लिखने का तरीका, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहला रूल है अपने पास, बायोलॉजिकल नेम किससे आया हुआ है? लैटिन ओरिजिनेटेड है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो भी तुम्हारा बायोलॉजिकल नाम है, जो भी बायनोमियल नॉमिनिक्लेचर है, कौन सी लैंग्वेज से आया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है दोस्तों? और लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और उस नेम को जब हम लिखने का प्रयास करते हैं तब कौन सी भाषा में लिखते हैं? तो इटैलिक्स भाषा में लिखते हैं। क्या? इटैलिक्स भाषा में, इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखने का रीजन क्या है? क्योंकि जो भी नेम है लैटिन से ओरिजिनेट हुआ है, इसीलिए हम लिखते टाइम जो भी है इटैलिक्स लैंग्वेज में प्रिंट करते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये हो गया पहला रूल, एकदम सिंपल रूल है दोस्तों, ठीक है? क्या बोला मैंने कि बायोलॉजिकल नॉमिनिक्लेचर जो भी है ऐसा है, दो तरीके से हो सकता है, बायनोमियल नॉमिनिक्लेचर दोस्तों, ठीक है? उसके अंदर जो भी लैंग्वेज है, कहाँ से बायनोमियल नॉमिनिक्लेचर का ओरिजिन हुआ है, तो दोस्तों एक ही आंसर है, लैटिन लैंग्वेज से क्या हुआ है, बायनोमियल नॉमिनिक्लेचर का क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। और जब हम लिखने का ट्राई करते हैं तब हम इटैलिक्स लैंग्वेज का यूज करते हैं। दिमाग में आ रही बात, लैटिन ओरिजिन है, लिखने के लिए इटैलिक्स। दिमाग में आ रही बात, बहुत ही धीरे से पढ़ा रहा हूँ,
तो सोच समझ कर पूरा क्या दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों। और उसी लैंग्वेज में, ठीक है, लैंग्वेज का तो फंडा क्लियर हो गया है सर, ठीक है। नंबर सेकंड रूल क्या बोलता है दोस्तों, तुम जो भी लिख रहे हो दोस्तों, क्या जो भी तुम स्पीशीज का नाम लिख रहे हो, ठीक है, इधर मैं लिख दिया हूँ कि मैंजिफेरा इंडिका, ये किसका नाम है दोस्तों, मैंगो का साइंटिफिक नाम है दोस्तों, क्या है, मैंगो का साइंटिफिक नाम है मैंजिफेरा इंडिका, ओके। उसके अंदर ये तो फर्स्ट वर्ड है, ये सेकंड वर्ड है, ये दोनों वर्ड को बाइनोमियल नॉमिनेक्लेचर बोलते हैं। और फर्स्ट वर्ड जो भी है दोस्तों, जो भी फर्स्ट वर्ड है, देखो मैंजिफेरा है ना दोस्तों, ये क्या दिखाता है, ये अपने को जीनस का नाम दिखाता है, जीनस का नाम इंडिकेट रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड डिनोट डिनोट क्या करता है, जीनस का नाम बताता है, ठीक है, कौन से जीनस से आया है उसका नाम बताता है, कौन सा वर्ड, फर्स्ट वर्ड। और दोस्तों सेकंड वर्ड जो भी है स्पेसिफिक एपिथेट, तो स्पीसीज का नाम बताता है, उसको ही हम बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। ये सेकंड वर्ड क्या है दोस्तों, इधर देखो, इधर भी लिख दिया हूं मैं, जो भी फर्स्ट वर्ड है दोस्तों, क्या है, फर्स्ट वर्ड क्या बोल रहा है, जीनस के बारे में बोल रहा है, ठीक है दोस्तों, जीनस के बारे में पहला वर्ड बोल रहा है। जो भी सेकंड वर्ड है दोस्तों, सेकंड वर्ड किसके बारे में बोल रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में बोल रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में बोल रहा है। सेकंड रूल भी हमको समझ में आ गया, क्या बोला है, फर्स्ट वर्ड जीनस के बारे में बता रहा है और सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में बताता है, ठीक है। तो नंबर थर्ड रूल क्या है दोस्तों, व्हेन नेम, तुम जब लिखने जाओगे, हाथों से तुम हमारे लिखने जाओगे, इसलिए इधर क्या है, हैंड रिटन वर्ड लिखा गया है। जब तुम ये बाइनोमियल नॉमिनेक्लेचर बायोलॉजिकल नाम लिखने की कोशिश करोगे, हाथों से लिखने की कोशिश करोगे, तब सब किसके बारे में, सेपरेटली अंडरलाइंड, तो दोनों ही वर्ड के नीचे क्या करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों, अंडरलाइन करना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है, जब तुम हाथ से लिखने की कोशिश करोगे तब सेपरेटली अंडरलाइंड होना चाहिए दोनों भी नाम। अगर तुम किसी कंप्यूटर और संगणक की कोशिश से तुम प्रिंट करने जाओगे तो तुमको इटैलिक्स लैंग्वेज चूज करके उसी लैंग्वेज को, उसी लैंग्वेज में तुमको प्रिंट करना होगा। ये हो गया थर्ड रूल, जब तुम हाथों से लिखोगे तब सेपरेट अंडरलाइन करना पड़ेगा, अगर तुम प्रिंट कर रहे हो किसी भी कंप्यूटर और मोबाइल में तो तुमको इटैलिक्स लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। क्यों से इटैलिक्स लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा, इसका सीधा सीधा सा जवाब है दोस्तों कि इटैलिक्स लैंग्वेज लैटिन से ओरिजिनेट हुई है, लैटिन लैंग्वेज से हम नेम लेते हैं और प्रिंट करने के टाइम इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई, नंबर थर्ड रूल भी आपको समझ में आ गया। नंबर फोर्थ रूल क्या बोलता है दोस्तों, द फर्स्ट वर्ड जीनस जो भी है उसका स्टार्टिंग, ठीक है दोस्तों, उसका स्टार्टिंग, एक एग्जांपल अपने पास क्या था, मैंजिफेरा इंडिका, दोस्तों दूसरा एग्जांपल लेंगे, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेंगे होमो सेपियंस, जो आदमी का नाम है, जो ह्यूमन का नाम है उसको बोलेंगे होमो सेपियंस। जब तुम लिखते हो दोस्तों तब होमो का किसके बारे में बताता है, जीनस के बारे में बताता है दोस्तों, और सेपियंस किसके बारे में बताता है, स्पेसिफिक एपिथेट। ये तो पहले ही समझ में आ गया सर, इसमें नई बात कौन सी नहीं है। तो दोस्तों जीनस का नाम तुम जब भी लिखते हो तो इसका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैसे होना चाहिए दोस्तों, कैपिटल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए दोस्तों, कैपिटल, इतनी बात गांठ बांध लो, ठीक है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए दोस्तों, कैपिटल होना चाहिए, इसलिए बोला है इस पे फर्स्ट वर्ड बोले तो जीनस, दोस्तों जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी का स्मॉल रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में बताओ, देखो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिया, बाद में छोटा लिख दिया मैंने, और दूसरा जो भी वर्ड है दोस्तों वो सब स्मॉल लेटर से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्मॉल लेटर से होना चाहिए,
स्पेसिफिक एपिथेट का और सेकंड वर्ड का नाम जो भी है तुम स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, कोई ऐसी कुछ बात नहीं है। सेकंड वर्ड क्या हो सकता है, स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फर्स्ट रूल क्या था, बायोलॉजिकल नेम कहाँ से आए हैं, लैटिन लैंग्वेज से आए हैं और जब लिखते हैं तब इटैलिक्स में लिखते हैं। सेकंड रूल क्या बोल दिया, जो फर्स्ट वर्ड दिखाता है वो जीनस के बारे में बताता है और सेकंड वर्ड जो भी है स्पीशीज के बारे में बताता है। नंबर थर्ड रूल, जब हम नाम हाथों से लिखने की कोशिश करते हैं तब उसको अंडरलाइन करना चाहिए और जब तुम प्रिंट करते हो कंप्यूटर में तब इटैलिक्स लैंग्वेज चूज करना चाहिए। दोस्तों नंबर फोर्थ रूल है अपने पास, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए और सेकंड वर्ड जो भी है स्मॉल लेटर से तुम लिखना चाहिए। ये चार रूल्स इधर एग्जांपल दिया गया है मैंजी फेरांडी का, किसका नाम है, मैंगो का नाम है। उसके अंदर फर्स्ट वर्ड जीनस के बारे में बताता है, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में बताता है और ये कहाँ से आता है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और जब प्रिंट करते हैं तब इटैलिक्स है, हाथों से लिखते हैं तो अंडरलाइन करना चाहिए। दोस्तों नंबर फिफ्थ रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन से नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दोस्तों क्या बोलता है दोस्तों फिफ्थ रूल, नेम ऑफ ऑथर, अगर कौन से ऑथर ने उस स्पीशीज को डिस्कवर किया है उसका नाम जो भी है दोस्तों बायोलॉजिकल नेम तुम लिखने के बाद लास्ट में उन ऑथर का नाम लिख सकते हो, ठीक है। बायोलॉजिकल नाम लिखना हो गया, उसके लास्ट में जिस ऑथर ने वो डिस्कवर किया है स्पीशीज उस ऑथर का नाम लास्ट में तुम लिख दो। कैसे फॉर्म में लिखना है दोस्तों, अब्रीविएटेड फॉर्म, अब्रीविएटेड फॉर्म का मतलब है दोस्तों उसका पूरा नाम नहीं लिखना चाहिए, फर्स्ट उसके नाम के फर्स्ट थ्री और फोर लेटर्स तुमको लिखना चाहिए और उसके बाद में डॉट और फुल स्टॉप देना चाहिए। इधर के दोस्तों में जो भी है दोस्तों, इधर मैंजी फेरांडी का इधर भी है, इधर भी, दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, इधर लीन नहीं दिखा लिखा है, इधर लीन लिखा है। लीन बोले तो क्या है दोस्तों, लीन किसके बारे में बताता है, लीन का मतलब है दोस्तों लीनियस के बारे में और लीनियस बोले तो दोस्तों कार्लस लीनियस, इसका मतलब मैंगो का जो भी साइंटिफिक नेम है मैंजी फेरांडी का और लीनियस ने डिस्कवर किया था इसलिए उसका नाम अब्रिविएटेड फॉर्म बोले तो L-I-N-N उसके बाद में डॉट देना चाहिए, इसको ही बोलेंगे अब्रिविएटेड फॉर्म बोले तो शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से पांच रूल मैंने लिख दिया हो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब जाएंगे अगले कंसेप्ट के ऊपर। दोस्तों तुमने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसके बाद में तुमको एनसीईआरटी में पढ़ के दिखाता हूं दोस्तों, ठीक है। तो कहां कहां अंडरलाइन करना है तुम अंडरलाइन करते चले जाओ दोस्तों। पेज नंबर दोस्तों न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से पांचवा पेज नंबर है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबकी स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है दोस्तों, समझ लो मेरी बात। अपने पास एक डॉगी है, अपने पास कैट है, अपने पास एलिफेंट है, अपने पास प्लांट है, सबकी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म अगर एक ही जगह पे रहते हैं और उनकी स्टडी करना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए वो बात जो भी है वो इम्पॉसिबल, सबकी स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए उन पर्टिकुलर एनिमल्स बोलो दोस्तों, प्लांट्स बोलो, इनको एक कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेंगे दोस्तों, अगर आपने स्कूल में देखा होगा तो सब बच्चे आते हैं स्कूल को दोस्तों, हर एक स्टूडेंट का एक अलग क्लासिफाइड ले तो क्या होता है दोस्तों, वो कौन सी क्लास में बैठ सकता है उसके एज के ऊपर डिपेंड है ना। तो क्लास वन के अलग बच्चे रहते हैं, क्लास टू के अलग रहते हैं, क्लास थर्ड फोर्थ, ऐसे अलग अलग बच्चे क्यों बिठाते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर उनको कैटेगराइज करते जाओगे तो उनको भी स्टडी करने में आसानी होगी और टीचर जो भी पढ़ा रहा है उसको भी आसान हो जाएगा कि कौन से बच्चे को कितना नॉलेज देना है, ठीक है। इसका मतलब अगर सारे बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर टेंथ स्टैंडर्ड के बच्चे अगर एक ही जगह पे बैठ के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो टेंथ स्टैंडर्ड के बच्चों को समझ में आएगा कोई बातें, लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को समझ में नहीं आएगा।
इसलिए उनको भी कैटेगराइज करने में चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना जरूरी है, क्योंकि इजिली स्टडी करने की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही टाइम में स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो उसके बाद में क्या बोला है, इसी प्रोसेस को जो क्लासिफाई तुम कर रहे हो दोस्तों, उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? क्लासिफिकेशन। अभी जब मैं क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन दे दिया हूँ, तो अब पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में समझेंगे कि क्या लिखा गया है। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है दोस्तों। क्या है? एक प्रोसेस है इसके अंदर बाय विच एनीथिंग, कौन सा भी ऑर्गेनिज्म दोस्तों, कौन सा भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म, कौन सा भी ऑर्गेनिज्म, एनीथिंग इज ग्रुप्ड, उस ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज का एक ग्रुप बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है दोस्तों? एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में उसी तरह के स्पेसीज का एक ग्रुप बनाया जाए, उसी तरह के ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप बनाया जाए, उस ग्रुप को इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, उस ग्रुप को एक कैटेगरीज में डिवाइड करते जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉर एग्जांपल दोस्तों डॉग के अलग अलग स्पेसीज है। ठीक है, अलग अलग स्पेसीज है। कौन सा डॉग छोटा है, कौन सा डॉग बड़ा है, किस डॉग के बाल बहुत ज़्यादा है, किसी डॉग के हाइट बड़ी है, ऐसे बहुत सारे डॉग को मैं उस स्पेसीज को एक क्या करूँगा, ग्रुप में बनाऊँगा दोस्तों। उस ग्रुप को एक कैटेगरीज में बताऊँगा दोस्तों। फॉर एग्जांपल वो डॉग क्या है दोस्तों, एक अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसको एनिमल बोलेंगे दोस्तों। सर अभी के लिए हम उसको एनिमल की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप टुगेदर, कौन से भी स्पेसीज को ग्रुप में करना है, उनको कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है। और कैसी वो कैटेगरीज जो तुम डिवाइड कर रहे हो, कन्वीनियंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि अपने को स्टडी करने में आसानी हो जाएगी। वो जो भी कैटेगरीज है बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, वो जो भी कैटेगरी दोस्तों हम देखते ही बोलेंगे कि डॉगी कौन है दोस्तों, एनिमल है, इसलिए वो क्या है, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो दिखते टाइम जो भी अपने को महसूस होता है, पहचानते हैं, उसको इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर बोलेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे दोस्तों? क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला मैं, एक प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे स्पीसीज का एक ग्रुप बनाओ और उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, और जो भी तुम डिवाइड कर रहे हो कैटेगरीज में वो किसकी वजह से कर रहे हो, तुमको उस पर कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, इसके लिए तुम उस कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। तो नेक्स्ट बात, एंड यू जो भी कैटेगरीज तुम डिवाइड कर रहे हो, उस कैटेगरीज को नाम दिया गया है टैक्सा। अच्छा अभी टैक्सा क्या है? फॉर एग्जाम्पल डॉग जिस ग्रुप में बिलोंग करता है उस ग्रुप को भी टैक्सा बोलेंगे। और ठीक है बोलो दोस्तों, हर एक डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफिकेशन जितना बार करते जाओगे, उस पर्टिकुलर कैटेगरीज को तुम टैक्सा बोलते जाओगे। ठीक है दोस्तों, अभी टैक्सा क्या है सर? ये क्या है? यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी दोस्तों। यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी क्या दोस्तों? यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी है दोस्तों। ठीक है, टैक्सोनॉमी है। अब सर टैक्सोनॉमी का अर्थ क्या है सर? टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है दोस्तों? तुम जो भी क्लासिफिकेशन कर रहे हो उसका नाम भी दे रहे हो दोस्तों, नॉमिनेचर। ठीक है, नॉमिनेचर। तुम उसको पहचानने की कोशिश भी कर रहे हो, आइडेंटिफिकेशन। और दोस्तों उनको कैटेगरीज में भी डिवाइड कर रहे हो। ये सभी बातें किसके अंदर स्टडी किए जाते हैं? तो टैक्सोनॉमी के अंदर स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, और उसका कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, कौन से कैरेक्टराइजेशन? ठीक है, ऐसी सभी बातें जिस साइंस के फील्ड में, जिस किसके फील्ड में स्टडी की जाती है, उसको टैक्सोनॉमी बोलेंगे। टैक्सोनॉमी के अंदर क्लासिफिकेशन, नॉमिनेचर, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, ऐसे सभी स्पीसीज के बारे में स्टडी, उसके नाम के बारे में स्टडी की जाता है, उसको बोलेंगे टैक्सोनॉमी। इस टैक्सोनॉमी का बेसिक यूनिट क्या है दोस्तों? टैक्सा है। क्या है दोस्तों? बेसिक यूनिट क्या है? टैक्सा है। अपने बारे में टैक्सा का मतलब है दोस्तों कैटेगरीज। अब इंग्लिश लैंग्वेज में हम उसको कैटेगरीज बोलेंगे, और उसी बायोलॉजिकल लैंग्वेज में और साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसको टैक्सा बोलेंगे दोस्तों। कुछ बात नहीं, बाकी सारी हम तुमको पढ़ के दिखाते हैं, कोई बातें छूटे ना, इसीलिए दोस्तों। ठीक है,
तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, डेफिनेशन समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकोगनाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स एंड इंसेक्ट। हम जल्दी से पहचानते हैं दोस्तों कि कौन सा एनिमल्स है, कौन सा डॉग्स है, कौन सा कैट है, कौन सा इंसेक्ट्स है, कौन से प्लांट्स है, ठीक है। द मोमेंट वी यूज एनी दिस टर्म वी एसोसिएट सर्टन कैरेक्टर्स विद ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। ऐसे कुछ कैरेक्टर्स की वजह से हम उनको पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स को हम कैसे पहचानते हैं, जो दोस्तों नॉन मोटाइल है, ग्रीन पार्ट है उसका लीफ, जिसकी वजह से हम प्लांट बोलते हैं। डॉग अलग रहता है, कैट अलग रहता है, उसके कैरेक्टर के ऊपर हम उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। वाट इमेज डू यू सी वेन यू थिंक ऑफ अ डॉग। अगर तुम डॉग की इमेज देख रहे हो तो तुम क्या थिंक कर सकते हो कि दोस्तों क्या बोल सकते हो, डॉग एक एनिमल है, डॉग जो भी है दोस्तों क्या है, उसके बाल से थोड़ा से ऐसे ऐसे छोटे पड़े रहते हैं, ऐसे कुछ कुछ बातें जो भी है दोस्तों हम उसके बारे में थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ऑब्वियसली ईच वन हैज अ सी, डॉग्स आर नॉट कैट्स, लेकिन डॉग जो है दोस्तों कभी कैट नहीं हो सकता, इतनी तो बात हमको पता है, ठीक है दोस्तों। डॉग हड्डियाँ खाता है, कैट दूध पीता है और थोड़ा थोड़ा सा चूहा भी खाता है। If we were to think at last yet about talking about similarly, suppose we are to say about mammals, you would call thanks. Mammals, अगर तुम बात कर रहे हो दोस्तों mammals जो भी है, ठीक है, mammals तुम जब भी तुम देखोगे mammals कैसे रहता है, उस organism के body के ऊपर hairs रहना चाहिए, वो baby को देना चाहिए, baby को birth देना चाहिए दोस्तों, ठीक है, baby parents उसको बोलेंगे दोस्तों। और क्या बातें हो सकती है, उसके mammary glands present होना चाहिए, is the characteristic feature of the mammals। ऐसे कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम अगर जल्दी से पहचानते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, लाइकवाइज इन द प्लांट्स वी ट्राई अबाउट वीट। अगर तुमको वीट एग्जांपल दे दिया है, वो प्लांट्स है, क्यों प्लांट्स है दोस्तों, क्योंकि वो सबसे अलग है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में क्या बोला है, ऑल दिस डॉग्स कैट्स मैमल्स वीट राइस प्लांट्स एनिमल्स आर कन्वीनियंट कैटेगरी वी यूज स्टडी ऑर्गेनिज्म। ये सबको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दो और उस कैटेगरीज को नाम दे दो दोस्तों टैक्सा। उसको नाम क्या देना है, टैक्सा देना है, जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड पे लिख दिया हूँ, अगर तुम्हारे कन्वीनियंट के हिसाब से मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ के साथ। साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। हियर यू मस्ट रिकोगनाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज डिफरेंट लेवल्स। टैक्सा किसके बारे में बताता है, डिफरेंट लेवल के कैटेगरीज के बारे में बताता है दोस्तों, ये तो बात समझ में आ गई। प्लांट्स इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ टैक्सा। प्लांट्स को तुम टैक्सा भी बोल सकते हो, वीट को भी टैक्सा बोल सकते हो। टैक्सा किसको बोलते हो, प्लांट सबसे बड़ा क्या है कैटेगरी प्लांट, उसको भी टैक्सा बोलते हो दोस्तों। तुम वीट बोल दिए, तुम उसको भी टैक्सा बोलो। तुम एनिमल्स बोल दिए, उसको भी टैक्सा। हर एक क्लासिफिकेशन को तुम सिंपल टैक्सा नाम दे दो दोस्तों, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है। और उसके बारे में क्या है, बट यू नो अबाउट द डॉग इज मैमल आर मैमल्स आर एनिमल्स। हियर फॉर एनिमल्स एंड मैमल्स डॉग्स आर डिफरेंट टैक्सा। हर एक कैटेगरीज को हम टैक्सा, इतनी ही बात इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कुछ भी बात इंपॉर्टेंट नहीं है। Hence, based on characteristics, all living organism can be classified into different types. हर एक बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हो। और जो भी उसके बारे में स्टडी करता है उसको टैक्सोनॉमी करते हैं। एक्सटर्नल टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा इधर बात इंपॉर्टेंट है जो भी हम अभी लिख के देने वाले हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर किसके बारे में दोस्तों, उस ऑर्गेनिज्म के बाहर का दिखने वाला स्ट्रक्चर और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, इसलिए उसको एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उस ठीक है, उसका सेल कैसा है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है। इसका मतलब क्या है, सो तुम जो भी अभी बात किए हो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये बातें हम सेल डिवीजन और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इसके बारे इसके अंदर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। उसका सेल डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट प्रोसेस, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है दोस्तों, डेवलपमेंट प्रोसेस ओविपैरस है या विविपैरस है, वो भी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उसके बारे में और थोड़ी सी ज़्यादा बातें, ठीक है। इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजी में क्या बैलेंस है क्या नहीं, वो सब पढ़ने के, ठीक है। एंड अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज,
ये सब बातें टैक्सोनॉमीज के, जब तुम पढ़े एक ऑर्गेनिज्म को तुम क्लासिफाई करते हो तो उससे पहले तुम क्या, तुमको क्या स्टडी करना चाहिए, क्या बातें पता होनी चाहिए तुमको उस ऑर्गेनिज्म का, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ सेल पता होना चाहिए जो कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है और बैक्टीरिया है, वो पता रहना चाहिए। उसकी डेवलपमेंट कैसी होती है उसके बारे में भी पता रहना चाहिए, और उसके बाद में इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी पता रहना चाहिए, और किस प्लांट में किस सीजन में आता है प्लांट, अगर है तो एनिमल है तो कितने दिन जिंदा रह सकता है, ठीक है, वो क्या खाना पसंद करता है, वो सभी बातें तुमको पता रहना चाहिए। इधर इम्पोर्टेंट मैं लिख दिया हूँ, हियर द क्लास कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नॉमिक्लेचर ये सब बेसिक चीजें हैं दोस्तों। क्या है बेसिक्स है किसके, टैक्सोनॉमी की, क्या क्या चीजें, क्लासिफिकेशन नॉमिक्लेचर आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन, ये बातें क्या है और टैक्सोनॉमी से पहले बेसिक है। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ये बात कोई नई है दोस्तों, नई बात कोई नहीं, टैक्सोनॉमी का ये वर्ड जो भी तुम सुन रहे हो ये अपने लिए ह्यूमंस के लिए नई बात नहीं है। क्यों दोस्तों, क्योंकि हम बहुत पहले से जब हमको उतना ज्ञान नहीं था तभी के टाइम से हम बोलते हैं कि एनिमल अलग रहता है, प्लांट अलग रहता है, डॉगी अलग रहता है, कैट अलग रहता है, कैमल अलग रहता है, ह्यूमन अलग रहता है, ठीक है, और तब इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मॉडर्न टेक्सोनॉमी नहीं थी, अपने पास माइक्रोस्कोप नहीं थी, अपने पास सेल का स्ट्रक्चर, लेकिन बार बार का देखते हुए भी हम बता सकते हैं कि ये एनिमल है, ये प्लांट है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन दैट नोइंग, ह्यूमन जो भी है हर तरफ हर बात पे क्या होता है दोस्तों, इंटरेस्टिंग बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, पर्टिकुलरली विद द रेफरेंस टू देयर ओन यूज, हर ह्यूमन जो भी है उनके खुद के यूज के लिए एनिमल्स का यूज भी करते हैं, तुमको पता है डॉग का यूज करते हैं, ठीक है, बुलॉग का यूज करते हैं, डोंकी का यूज करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। इन अर्ली डेज, बहुत पहले के टाइम में ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेस फॉर बेसिक नीड्स फॉर फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, बहुत पहले के टाइमिंग में ह्यूमंस को खाना खाने के लिए एनिमल्स के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, उसीलिए उसके बारे में पता तो रहना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल मैं बहुत पुराना टाइम का आदमी हूँ, मैं तो कुछ तो प्लांट खा लिया और मैं उसके अंदर जहर है नहीं है मुझे पता नहीं, डायरेक्ट मैं मर जाता हूँ ना, इसीलिए उस प्लांट के बारे में थोड़ा तो नॉलेज मुझे रहना चाहिए, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मुझे पता है शिप के पास से हम क्या बोलते हैं, उसके बालों से हम कुछ तो अपने को पहनने के लिए क्या क्लोथिंग कर सकते हैं, और फॉर एग्जांपल कॉटन से हम अपने कपड़े सी सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और शेल्टर प्लांट्स के पौधों के जैसे हम घर बना सकते हैं, लकड़ियों की घर बना सकते, ठीक है, ये सब बातें जो भी है दोस्तों हम पहले से ही जानते हैं। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेर बेस्ड ऑन द यूजेस एंड यूज, जो सबसे पहले वाला क्लासिफिकेशन था ये अभी अभी है, सबसे पहले वाला जो भी था हमारा यूज कैसा होगा ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, उसी तरीके से हम उसको क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा काम चल रहा है, खाना मिल रहा है, तो हम उसको काट के भी खा सकते हैं, ठीक है, वैसे भी होगा। ह्यूमन बींग्स वेर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड टू नोइंग अबाउट मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो रिलेशनशिप, सिर्फ उसका नाम पता चलने से कोई फायदा नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं था, और इतना भी नहीं दोस्तों, उनके साथ संबंध भी बनाते हैं, जैसे कि हम गाय के साथ रहते हैं, ठीक है, गौ माता बोलते हैं उसको, उनका यूज हम उसके साथ अच्छा बॉन्ड रहता है, डॉगी का साथ भी अच्छा बॉन्ड रहता है, क्योंकि उनके उनकी वजह से हमारा कुछ काम होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमको जो भी दूध पीते हैं वो काऊ से आता है, इसलिए उनका अपना और उनका बॉन्ड भी अच्छा रहता है। हिंदुइज्म में काऊ को भगवान भी बोलते हैं दोस्तों, ये अच्छा बॉन्ड है ह्यूमन और एनिमल का प्यार बढ़ा देने के लिए, ठीक है दोस्तों। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू एज सिस्टमैटिक, उसको ये क्या बोलेंगे दोस्तों, सिस्टमैटिक्स बोलेंगे, ठीक है, सिस्टमैटिक्स बोलेंगे। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, सिस्टमैटिक्स जो भी वर्ड है दोस्तों, सिस्टमैटिक्स जो भी वर्ड है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है दोस्तों, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन में उसको सिस्टिमा बोलते हैं, सिस्टिमा बोलते हैं दोस्तों, जब तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल है। द वर्ड सिस्टमैटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, द वर्ड सिस्टिमा मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसका मतलब क्या है, सिस्टमैटिक ऐसा नहीं है कि कौन से ऑर्गेनिज्म को कहाँ भी बिठा दिया जाए, ठीक है, अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट होना चाहिए, किसका दोस्तों,
उस ऑर्गेनिज्म का क्या चाहिए, ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का जो भी अरेंजमेंट है वो सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए, उसको हम सिस्टमैटिक्स बोलेंगे। ये वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, लीनियस यूज द सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, लेकिन दोस्तों लीनियस का जो भी है, लीनियस कारण्स लीनियस जो भी है दोस्तों, लीनियस जो भी है उनमें सिस्टमा नेचुरे, सिस्टमा नेचुरे जो भी है दोस्तों। ठीक है, ये उनकी क्या है दोस्तों, किताब है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के नाम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, कौन लिनियस की किताब थी, ये सिस्टमा नेचुरे है, और पब्लिकेशन द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वर लेटर रिचार्ज इन टू आइडेंटिफिकेशन नॉमिनेशन प्रोसेस है, बहुत सारी है। ठीक है, और सिस्टमैटिक्स के अंदर और एक बात ऐड करनी है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये भी बात जो भी है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानी जाती है, रिलेशनशिप। ठीक है, सिर्फ तुम क्लासिफिकेशन करने से काम चलेगा नहीं, नॉमिनेशन कर नहीं नहीं दोस्तों, इसके अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसका इवोल्यूशन किस तरह से हो रहा है, ऑर्गेनिज्म किस तरह से इवोल्यूशन कर रहा है, उसका भी नॉलेज हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या बोला है, सिस्टमैटिक वार लेटर इंचार्ज और उनके अंदर क्या है, आइडेंटिफिकेशन था पहले, नॉमिनेक्लेचर था, क्लासिफिकेशन था, और इसके बाद में हम नए टर्म ऐड करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मार्क द वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नेट एग्जामिनेशन। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो दोस्तों। यहीं पे हम कहानी क्या करते हैं दोस्तों, यहीं पे हम खत्म करते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी टाइम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल जो भी बातें हैं वो अगली क्लास में ले जाएंगे। ठीक है, तुमको जितना भी समझ में आ रही है बात दोस्तों, उतना राइट डाउन कर लो, एक बार जरूर एनसीईआरटी रीड करते चले जाना, और मैं जितना भी बोर्ड के ऊपर लिखते जाता हूँ उतना नोट डाउन, एक स्पेशल तुम्हारी जो भी है किसी भी हैंड राइटिंग में लो, तुम्हारी नोटबुक में नोट डाउन करते चले जाओ दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से हम इधर का लेक्चर समाप्त करते दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छा पढ़ाई करो दोस्तों।